प्रदेश की जीवनदायिनी महानदी में खनन माफियों का राज निरंतर जारी है। रायपुर के आरंग ब्लॉक स्थित रेत घाट में माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से रेत की चोरी कर रहे हैं। और तो और खनिज अधिनियम का उल्लंघन भी खुलकर हो रहा है। उत्खनन के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं वो तो जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हो। माफियों को कानून का जरा भी भय नहीं है, मानो उन्हें प्रशासन से विशेष संरक्षण प्राप्त हो। नियमों के मुताबिक रेत घाटों में उत्खनन मजदूरों से कराया जाना है जिसे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो, लेकिन यहाँ मामला ठीक उल्टा है। खुदाई के लिए जेसीबी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही शिकायतों के आधार पर रेत पार्टी में अवैध उत्खनन की पूरी प्रक्रिया पर नकेल कसने सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की बात तो कही थी, लेकिन निर्देशों का पालन होता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नियम और निर्देशों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से धजिया खनन माफिया उड़ा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि खनिज विभाग के नाक के नीचे ये चोरी हो रही है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। शासन ने खुदाई के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का वक्त निर्धारित किया है, लेकिन यहाँ 24 घंटे पूरे चकाचौंध के साथ चोरी हो रही है। द न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसका जायजा लिया है। देखिए हमारे संवाददाता तिलक देवांगन की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के महानदी में कैसे अवैध रेत खनन और अवैध जो नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ाने वाले जो लोग हैं उनका हम बकायदा आज फुटेज आपको दिखाएंगे, उसका खुलासा करेंगे। देखिए जो नज़ारा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं महानदी का ये घाट है और किस तरीके से बर्बरता के साथ यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा की खुदाई कर रहे हैं यहाँ के खनन माफिया। वहीं जो खनिज गाइडलाइन है वो कहता है कि 5 से 7 मीटर से ज़्यादा की खुदाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ खनन माफिया किस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पर मशीन से बेरोक टोक ढंग से यहाँ पर लगातार खुदाई कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ये जो गड्ढा नुमा दिख रहा है इनको जरा जूम करके दिखाइए और ये फोकस कीजिए यहाँ पर कि हम यहाँ जो खड़े हैं महानदी के किनारे जो पार हैं वहाँ पर खड़े हैं और उनसे दूर मात्र 3 मीटर दूर जो गहराई आपको दिख रही है वो कम से कम 50 से 60 मीटर की जो गहरा है उनको मशीन से खोद दिया गया है। वही बता दें कि जो पर्यावरणीय अधिनियम के तहत जो नदी पर्यावरण है उसका किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही, आने वाले समय में ऐसे उत्खनन करने से जो यहाँ के जो किनारे हैं वो टूट जाएगा और बाढ़ आने की ज़्यादा ही उम्मीद है और आसपास रहने वाले जो लोग हैं ग्रामीण उनको बहुत ही नुकसान हो सकता है। हम आगे और ले जाएंगे जहाँ पर अवैध स्टॉक किया जा रहा है रेत को खुदाई करके। ये दूसरा हिस्सा है महानदी हरदी घाट रेत घाट की जो बात आपको बता रहे हैं और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये काले चोर है जो रेत के उनका हम भंडाफोड़ कर रहे हैं। यहाँ पर खनिज अधिनियम का खुला उल्लंघन उड़ाया जा रहा है। ये जो भंडारण आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो पहाड़ रूपी जो दृश्य है वो पहाड़ नहीं है बल्कि रेत का एक बड़ी मात्रा में जखीरा जो डंप एक साथ किया गया है जो हजारों की संख्या पे हाईवा डंप यहाँ पर किया गया है और डंप यहाँ स्टॉप करने के बाद यहाँ के जो अवैध माफिया है जो रात में काले खेल खेलते हैं काले खेल को अपना अंजाम देते हैं वो रात में रेत को लोड करके ले जाते हैं, क्योंकि दिन में सरकार के हिसाब से दिन में आप खुदाई कर सकते हैं रेत की, लेकिन 6 और 7 बजे के बाद आपको महानदी के घाट से रेत खुदाई नहीं करना है। वही बता दें कि भूपेश बघेल ने नए रेत अधिनियम के तहत जो कानून लाए हैं खनिज विभाग में कि यहाँ पर जो रेत घाट है वहाँ आप मशीन से खुदाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मौके वारदात पर आने से हमको पता चला कि एक मशीन की तो परमिशन ली गई है लेकिन दूसरी मशीन भी अवैध रूप से चलाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको द न्यूज़ दिखा रही है, एक्सपोज कर रही है, खुलासा लगातार करेगी खनन माफियाओं के खिलाफ। हम सरकार के खजाने में लगने वाले जो चूना है उसको बचाने का एक काम कर रहे हैं और खबर फैलने से ये पता चलेगा कि द न्यूज़ कैसे सरकार के खजाने को चूना लगाने वाले व्यक्तियों का एक्सपोज खुलासा कर रही है। द न्यूज़ की टीम रेत घाटों का जायजा लगातार ले रही है। अभी हम आरंग ब्लॉक के गौरभाट रेत घाट पर खड़े हैं, रास्ते पर है
यहाँ से 2 किलोमीटर और पड़ेगा। ये देखिए रेत लोडिंग होने के लिए जाने वाली गाड़ी है और रेत होकर लोड होकर ये आ रही है गाड़ियाँ है, जिसमें हमने पूछा ड्राइवरों से कि कैसे आपका रॉयल्टी नहीं है, तो एक ने गोलमोल जवाब दिया, दूसरे ने कहा एक साथ हम लोग रॉयल्टी कटवाते हैं, दूसरे के पास तो रॉयल्टी था। वहीं कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आता है कि रेत घाटों पर दिन दहाड़े चोरी हो रही है रेत की। वहीं अब दूसरा नज़ारा हम घाट में जाकर दिखाएंगे। द न्यूज़ की टीम दूसरी रेत खदान आरंग ब्लॉक के ग्राम गौरभाट आई है। ये रेत घाट का जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम आज 6:17 है हो चुका है, और वही गाइडलाइन कहते हैं खनिज विभाग के कि 6 बजे के बाद मशीन से रेत उत्खनन नहीं करना है। लेकिन मेरे पीछे आप किस तरीके से देख सकते हैं वीडियो में साक्षात किस तरीके से यहाँ 3-3 चेन माउंटेन मशीन लगाकर यहाँ पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। वहीं आधा दर्जन से ज़्यादा जो ट्रक है वो नदी में अंदर जाकर लोडिंग करा रहे हैं। वहीं पास पास देख सकते हैं कि नदी में अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी भरने के स्थिति में भी रेत को पानी से निकाल कर लोड किया जा रहा है ट्रकों पर। और पर्यावरणीय अधिनियम के तहत जैसे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जो है उनका सख्त आदेश है कि नदी घाट में नहीं मशीन से रेत लोडिंग की जा सकती है और न ही रात के समय रेत का उत्खनन किया जा सकता है। दिवेश राघव मालिक का नाम है, दिवेश राघवानी। रॉयल्टी नहीं पकड़े वहाँ पे, भूल के आ गए। हाँ भूल के आ गए, क्या हो गया? भूल गए हैं। भूल कर गया, ले आते हैं। नाम क्या है? संतराम। संतराम जी, ये गाड़ी किसका है? ढिलन ढाबा का। ट्रांसपोर्ट का क्या नाम? ढिलन ट्रांसपोर्ट। कहाँ का? पारा गाँव। आपके पास रॉयल्टी नहीं है? नहीं दी है ना अभी। पता नहीं, पता नहीं, पहली बार है तो मट्टी में चलते हैं ना हम लोग, नहीं यही खाली करना है गांव में। ये ट्रायल्टी वाल्टी नहीं है आपके पास, आप उधारी वाले हो क्या? हाँ उधारी वाले, तो जिसका वो घाट है ना उसी का साइड है वो। हाँ। मुकेश लक्कड़ जी का। सरकार उधारी वो तो नहीं जानते, लेकिन मतलब नहीं दिया जाता। हाँ मेरे को नहीं दिया। एक साथ हिसाब किताब करते हैं। हाँ एक दिन में कितना ट्रिप मार लेते हो? जाता है 2-3 ट्रिप। आज तो पहला चक्कर है दिन का। गाड़ी? हाँ जी साहब, पर इतना गाड़ी आप? गाड़ी हमारे यहाँ तो 3 गाड़ी है और वो तो बहुत सारा गाड़ी चलाते हैं ना अपने आर्डर में। क्या भुवन? कौन सी ट्रांसपोर्ट? हरिओम कंस्ट्रक्शन। ये रॉयल्टी वाल्टी रखनी है नहीं है? रॉयल्टी कटवाऊंगा ना भैया। कौन काटे? तो भैया गाड़ी पहले बाहर तो निकाल लूँ रोड में, तभी तो आएगा। रॉयल्टी तो अंदर काटते हैं आप, 2 किलोमीटर तो वहाँ पे है ना मेरा हेल्पर है ना। हाँ मेरा हेल्पर को छोड़ गया। हाँ हेल्पर को छोड़ गया है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के रेत घाट में जो बाहर राज्य के व्यक्ति हैं वो काम करने के लिए आता है और 2 प्रकार के पर्ची भी चलाता है, एक उधारी एक नगद। हमारे आंखों के सामने से एक व्यक्ति जो आता है वो पर्ची कटाता है रॉयल्टी का और दूसरा व्यक्ति जो लोड करा के आता है गाड़ी वो सीधा निकाल देता है, अर्थात वो उधारी का है। यही मामला साठ घाट का उजागर होता है। हमने ये तीसरा जो मामला आपको बता रहे हैं, पहला मामला जो गहराई ज़्यादा खोदने का, दूसरा जो अवैध रूप से रेत को डंप करने का, और तीसरा यहाँ 2 पर्ची का, एक उधारी और नगद का। तो ये खुलासा लगातार जारी रहेगा रेत घाटों का। छत्तीसगढ़ में कैसे खनन माफिया सक्रिय हैं उनको हम उनके ऊपर लगातार हम खुलासा करेंगे। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी सूर्य गौतम के साथ मैं तिलक देवांगन, द न्यूज़।